Excuse me. Yeah. Oh, thank you. Oh. Thank you. Sorry. Yeah. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग जी। कहा था उसकी ना कैब गिर गई थी, तो बेचारी भूल ना जाए, मैं उसको उसकी जो गर्म टोपी नहीं होती वो पकड़ाने गया था, तो मुझे थैंक्स कह रही थी। अच्छा जी, कम टू द बैक पॉइंट के जी, मैं इस वक्त विंडसर ग्रेट पार्क में हूँ जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊँ तो, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत एक लेक है, वर्जीनिया वाटर लेक है। ये अपने नाम की वजह से मशहूर नहीं है, ये उस लेक के नाम की वजह से मशहूर है पार्क। और ये उसमें लेक बड़ी प्यारी सी लेक है, जिसके ऊपर आप बड़ी खूबसूरत सी वॉक करते हैं और क्या मज़े की फीलिंग आती है। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, क्यों कि वेदर कमाल का है। तो इसके अंदर एक वाटर फॉल भी है, बहुत खूबसूरत है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक फ़ीचर है जो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। वो क्या है जी, कि यहाँ पर वॉक की तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वॉक के साथ साथ यहाँ पर लोगों के साथ बहुत सारे इनके पेट्स होते हैं, डॉग वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर कार वॉश तो हमने देखा होगा ज़िंदगी में, मोटरसाइकिल वॉश, कार वॉश, लेकिन यहाँ पर इस पार्क के अंदर डॉग वॉश भी इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पर जब वो वॉक वगैरह करवा लेते हैं तो अगर वो चाहें तो यहाँ पर अपना इस डॉग वॉश के अंदर अपने डॉग को वॉश करके तो गाड़ी शड़ी में लेके जा सकते हैं। तो मैं ये एक स्मार्ट सा फीचर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चले आए सब मिल के देखते हैं लेक की खूबसूरत सी वॉक और वाटरफॉल्स और अंदर जो डॉग वॉश है वो भी, तीनों चीज़ें हम लोग मिलके सब देखते हैं। चले आए मेरे साथ। ये है जी डॉग वॉश की प्लेस, जो मैंने आपको बताया कि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे गाड़ी और मोटरसाइकिल है तो हम लोग वॉश करवाते हैं, वॉश उधर कार वॉश में ले जाके। तो इधर ये जो बना हुआ है, मैं आहिस्ता से करीब करता हूँ, यहाँ पर अपने कुत्ते वगैरह लाएँ और ये जो मशीन लगी हुई है इसके अंदर पैसे डालें कि आपने खाली शैम्पू करना है, फ्ली वॉश करना है, ब्लो ड्राई करना है और इस तरह और भी दो चार लिखे हुए, आपने पूरा कंप्लीट इसमें पैकेज लेना है। इधर वो मनी पे करें और इधर उसके बाद आपका ये एक्टिव हो जाएगा सारा। ये देखें, ये लिखा हुआ है इसमें डॉग वॉश। और इसके अंदर ओपन हो के यहाँ से, ये यहाँ से ओपन होगा जी, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ओपन होगा ये, और डॉग साहब अंदर चले जाएंगे। मेरे पास इस वक्त है नहीं, मैं डॉग नला देता यहाँ पे, मेरे पास ये डॉग पेट है नहीं, नमाज़ पढ़नी होती है ना जी, मैंने इसलिए कुत्ता रखा नहीं। पसंद तो बहुत है कुत्ता मुझे। तो ये है जी उसकी जगह सारी यहाँ पे। और ये रहा जी डॉग वॉश स्टेशन, एक नहीं ये दो हैं साथ साथ, ये देखें साथ साथ दो हैं और सिस्टम सिमिलर है जी दोनों, है ना अमेजिंग। ये थोड़ा सा हम अंदर आते हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत ऊपर ये छत वगैरह इसमें डाली हुई है। और एक तरफ इसके कैफ़े है, ये कॉफ़ी शॉप है। मेरा तो रोज़ा है जी, मैं तो कुछ भी इसमें ट्राई नहीं कर सकता। बैक साइड पे टॉयलेट्स वगैरह हैं इसके, ये कॉफ़ी शॉप है जो हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये स्विनियर शॉप टाइप बनाई हुई है ये कोई, और बड़ी खूबसूरत ये रेडी देखें जी, यहाँ पर रेडी का क्या काम इन्होंने ले रहे हैं, खूबसूरत से यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगा के तो रेडी को कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और हमारी ये रेडी वहाँ पर हमारे मुल्कों में जी फैमिली रन बिजनेस है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे आते हैं और पहले मैं ये दिखा दूँ, कॉफ़ी शॉप ये देखिए ना, उसके अंदर सिटिंग एरिया इसका कुछ ही है, वर्जीनिया वाटर कैफ़े, ये देखिए वर्जीनिया वाटर कैफ़े। ये सिटिंग एरिया जी सारा, अपना तो रोज़ है
तो इसलिए तो खाने पीने कुछ नहीं, ये आउटडोर है सारी सेटिंग। और ये खूबसूरत सी लेक की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। ये जो हम सब आवाज़ सुन रहे हैं, ये जो है जी, ये वाटरफॉल की आवाज़ है जिसकी तरफ हम सब जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ये वाटरफॉल आ जाएगी और बड़ी ही खूबसूरत ये वाटरफॉल है। यहाँ का वर्जीनिया वाटर का बड़ा ही मेन फीचर्स में आता है ये। ये वाटरफॉल जो देख रहे हैं, ये 17वीं सदी ईस्वी में बनी हुई वाटरफॉल ये, और बड़ी ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और आवाज़ तो इसकी जो साउंड वगैरह है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और जब इधर सुबह वगैरह जब वॉक करने के लिए मैं आता हूँ इधर, तो यहाँ पर इसके पास से जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर लें, वॉक कर लें, तो यहाँ से बिल्कुल एकदम बंदा रिफ्रेश हो जाता है। लोग इधर बैठ के आराम से इसको एंजॉय करते हैं और साथ रिलैक्स करते हैं। और ये दरख्त भी कोई काफ़ी पुराना दरख्त है। और इसकी जड़ें जो हैं जुड़ी हुई है ज़मीन के साथ, और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ आपको पता ही है कि ज़बरदस्त सारी ज़िंदगी कायम और दायम रहती है। मेरी बॉस के साथ साथ ये डॉग आया मेरे पास, ये इस टाइप का डॉग है, फुली ट्रेंड डॉग है जी। वो भी और भी देखो कुत्तों की भरमार होगी जी, यहाँ पे जितने भी कुत्ते आए हैं सारे, ये देखो, ये देखो डिफरेंट किस्म के, ज़बरदस्त, सारे इसी वाटरफॉल को एंजॉय करने आए हैं। अभी मैंने बताया ना मेन फीचर है यहाँ का, इनको भी पता है, इन डॉग्स को भी पता है। ये है जी वॉक यहाँ जिसको आप करके है रिलैक्स फील करते हैं। मैं जी अक्सर ही यहाँ पर जॉग वगैरह करने के लिए आता हूँ, लेकिन आजकल जैसे रमज़ान वगैरह है तो जॉगिंग का तो सीन नहीं है, तो यहाँ पे कभी कभार वॉक के लिए आता हूँ। तो जब इस वॉक हम करते हैं इस ट्रैक के ऊपर, ये जो ट्रैक चल रहा है साथ आप देख रहे हैं कुछ लोग भी वॉक कर रहे हैं, तो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आप जॉग कर लें, वॉक कर लें, इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ, तो साथ साथ हमारे ये देख रहे हैं जी, ये सारी लेक चलती है हमारे साथ साथ। तो इस लेक का जी क्या ही कहना है, इस व्यू का जी क्या ही कहना है, माशाल्लाह बहुत अच्छी वाइब्स आती है। तो इसी तरह वॉक करते हैं जी साथ साथ, खूबसूरत सा इसका व्यू का इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, वॉक करते करते हम लोग इस पार्क के एक और मेन फीचर पे आ गए हैं। ये जो हम लोग सामने देख रहे हैं ये लेप्टस मैग्ना रूइंस हैं।
जो कि रोमन का एक शहर है नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ से 19वीं सदी में ला के यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट की गई है। यानी कि 19वीं सदी में वहीं से रोमन का जो शहर है वहाँ से इसको इनको लाया गया है और दोबारा से इनको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये हैं जी रोमन की रूनस जो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ बैरियर वगैरह देख रहा हूँ मैं लगा हुआ, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है कुछ ना, ये देखें असेंशियल मेंटेनेंस वगैरह हुआ इधर ना कोई ओते रहेगी, ये ना जो फेंस वगैरह लगी हुई है सारी, इसको बवजह कंस्ट्रक्शन कोई काम के इनको बंद कर दिए गए ये ताले शाले लगा के, तो अब बाहर से देखना पड़ेगा इसको। ये देखें ये ताले तुले लगे हुए, तो हम बाहर से देख लेते हैं, वरना बोर्ड पे वो सारी हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग लगी हुई थी इसकी। ये है जी रोमन्स की रूनस जो 19वीं सदी में नॉर्थ अफ्रीका से ला के यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट की गई है इस वक्त हम जो देख रहे हैं। अच्छा जी, ये जो हम सब पीछे देख रहे हैं ये रूनस, ये लेप्टस मैग्ना रूनस हैं जी, जो कि रोमन का एक शहर है नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, वहाँ से 19वीं सदी में ला के तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट की गई है। तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का बायस है और लोग यहाँ पे काफ़ी जगहों से आते हैं जी इसको देखने के लिए। बल्कि इन तमाम इस पार्क में जितने भी फीचर्स हैं, जैसे हमने वाटरफॉल देखी बहुत खूबसूरत है जी, मेरा मोस्ट ऑफ़ दी फेवरेट है जी वो, ये रूनस हैं और इसकी स्पेशली जो वॉक है लेक के साथ साथ, इसके तो क्या ही बात है। तो मैंने अभी आपसे वो बातें सारी शेयर भी की हैं कि वहाँ पे क्या फीलिंग्स आती हैं। तो ये था जी एक छोटा सा एक लवली सा ट्रिप जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। रोज़े से पहले कुछ आवर्स मैं यहाँ पर आके हाफ एन आवर 30 मिनट 40 मिनट ज़रूर स्पेंड करता हूँ, तो बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है जी, मज़ा आता है वॉक करने का, जॉग करने का। तो आज लिटल बिट ये थी कि ये कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद थी, वरना मैं इसको काफ़ी आगे जाके आपको दिखाता और इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता। तो बैडली कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।